पंचकुला में पिछले करीब 2.5 साल से ताइक्वांडो गेम की प्रैक्टिस कर रहे पैरा खिलाड़ियों के लिए वर्ल्ड रैंकिंग ना होना परेशानी की वजह बन रहा है। दरअसल लखनऊ में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से पैरा खिलाड़ियों के लिए ताइक्वांडो के ट्रायल रखे गए हैं, लेकिन इनमें केवल वर्ल्ड रैंकिंग वाले खिलाड़ियों को ही आमंत्रित किया गया है। ऐसे में पिछले साल कोरोना की वजह से एशियन गेम्स में चयन होने के बावजूद ना खेल पाने वाले खिलाड़ी मायूस हो गए हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि उनका पिछले साल एशियन गेम्स के लिए चयन हो चुका था, पर कोविड की वजह से गेम्स कैंसिल हो गए। इसमें उनकी क्या गलती है? अगर उन्होंने वो गेम खेला होता तो उनकी भी वर्ल्ड रैंकिंग होती। मेरी एशियन चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुई थी और मुझे लेबनान खेलने जाना था, तो ऐन मौके पे लॉकडाउन लगा जिसके कारण वो पोस्टपोन हो गई अगले वर्ष के लिए। तो अब क्या है कि साई की तरफ से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक लेटर जारी हुआ कि वो बोल रहे हैं कि जो इंटरनेशनल खेला हुआ खिलाड़ी है वही पैराथलीट सिलेक्शन ट्रायल दे सकता है। तो हम जो 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमें भी मौका दिया जाए। पिछले कोविड के कारण ये समय इंटरनेशनल खेल नहीं हो सके हैं, इसलिए हमें मौका दिया जाना चाहिए। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और सरकार से भी और साई अथॉरिटी से भी यही रिक्वेस्ट है हमारी के जो बेस्ट एथलीट है उसको ही सिलेक्शन ट्रायल करवा कर आगे भेजा जाए। और मैं 2 साल से ट्रेनिंग कर रही हूँ और मुझे एशियन गेम ट्रायल में भाग लेने का मौका दिया जाए। तो ओलंपिक में आप खेलना चाहती हैं? हाँ जी। तो आपने किसी से मांग भी की है, लेटर भी लिखा है आपने? हाँ जी। ठीक है, तो कब से, कितने साल से प्रैक्टिस कर रही हैं? मैं 2 साल से। वहीं इनके कोच हरजिंदर सिंह ने बताया कि ये खिलाड़ी ट्रायल्स में जा रहे खिलाड़ियों से बेहतर हैं और मौका सबको दिया जाना चाहिए, उसके बाद ही श्रेष्ठ का चुनाव हो। कोच ने बताया कि खिलाड़ियों ने अपनी ओर से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ईमेल के जरिए बताया कि वो भी इस ट्रायल का हिस्सा बनना चाहते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी सिलेक्शन ट्रायल्स रखे हैं जिसमें सिर्फ वर्ल्ड रैंकिंग एथलीट्स को बुलाया गया है सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए। तो मेरा मानना यह है कि उधर सिलेक्शन ट्रायल्स में जो बच्चे अभी 2 साल से कोरोना पैंडेमिक के चलते नहीं इंटरनेशनल्स जा पाए हैं और बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं इन्हीं सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए, ओलंपिक गेम्स क्वालिफिकेशन के लिए, एशियन चैम्पियनशिप के लिए, तो इनको मौका दिया जाए। रीज़न यह है कि भी ये कभी इंटरनेशनल नहीं खेले हैं और इनकी कभी रैंकिंग नहीं बनी है वर्ल्ड लेवल की, बट ये है कि भी ये 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, अगर ये इंटरनेशनल जाएंगे ही नहीं तो कहाँ से इनकी रैंकिंग बनेगी और ये कहाँ से इनको मौका मिलेगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारी कंट्री से एक बेस्ट एथलीट इंटरनेशनल के लिए जाए, ओलंपिक गेम्स के लिए सिलेक्शन देने जाए और बेस्ट एथलीट, बेस्ट टैलेंट हमारा वहाँ रिप्रेजेंट करे हमारी कंट्री से, जिसके चलते हमारा कंट्री उधर क्वालिफाई करे और ओलंपिक के लिए खेल सके हमारे एथलीट। एक खिलाड़ी मेहनत और लगन से पसीना बहाकर सिर्फ ये ही उम्मीद करता है कि वो देश का नाम रोशन करे। अब देखना ये होगा कि क्या खेल विभाग इन खिलाड़ियों की आवाज़ सुनता है या इन्हें भी खुद को साबित करने का मौका दिया जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।